नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार नए नए विवाद होते रहते हैं, धमकी और फिल्म में काम बंद कर देना, तुम्हारा तुमको देख लूँगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी खबरें आती रहती हैं। वीडियो भी एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस एक दूसरे के खिलाफ जारी करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर जो है खींचतान मची रहती है। आप लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आई है वो आकांक्षा दुबे के सुसाइड की खबर है। आज इंडिया न्यूज़ यानी कि मैं आपके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करके लेके आया हूँ इस केस से रिलेटेड, क्योंकि आकांक्षा दुबे जो भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री हैं लेकिन वो अब नहीं हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया है वाराणसी के एक होटल में। उनके उसके पीछे की वजह क्या है तो मैं आपको बताऊं कि जो रिसर्च करके मैं आपके सामने लेके आया हूं वो ये है कि उनकी मौत की वजह जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उनके बॉयफ्रेंड समर सिंह हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना माना चेहरा हैं, गायक हैं, हीरो हैं। कहा जा रहा है उनकी माँ का आरोप है कि समर सिंह ने ही इतना उकसाया कि आकांक्षा सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी, आत्महत्या के लिए वो मजबूर हो गई। मैं आपको समर सिंह कौन है उनके बारे में आप शायद नहीं जानते हो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समर सिंह और आकांक्षा दुबे का रिश्ता क्या था, दोनों एक साथ लिव इन में रहते थे ये कहा जा रहा है। दोनों एक साथ बनारस में वाराणसी में लिव इन में रहते थे। फरवरी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था, एक दूसरे को विश किया गया और रिश्ता ओपन था, ऐसा कोई छुपा नहीं था कि दोनों साथ नहीं रह रहे हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। दोनों ने कई सारी फिल्मों में काम किया, कई सारे म्यूजिक वीडियोस में काम किया, रिश्ता छुपा नहीं था, लिव इन में भी रह रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि फरवरी तक तो सब ठीक चलता है, मार्च आते आते आकांक्षा दुबे सुसाइड तक कर लेती है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आकांक्षा दुबे के बारे में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आकांक्षा दुबे कितनी फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस थी। उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पर हैं, आप समझ सकते हैं 1.8 मिलियन फॉलोअर उनके इंस्टाग्राम पर हैं। वो इनके कुछ वीडियोस हैं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वीडियो मौत से जो उनकी सुसाइड की जो टाइमिंग है उससे एक डेढ़ घंटे पहले का ही है जब वो इसमें डांस करती हुई दिख रही हैं। मतलब अगर आदमी कोई इतना खुश होगा, अपने होटल में जाएगा और अपने वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल रहा है और अचानक कैसे वो सुसाइड कर लेगा, ये बड़ा संदेह की बात लग रही है। और इस पर जाँच पुलिस कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है और जो माँ ने आरोप लगाए हैं उन पर भी जांच कर रही है। एक वीडियो और आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो कितनी, इस वीडियो में भी वो कितनी खुश लग रही हैं। एक डेढ़ दिन पहले का वीडियो है। बताया जा रहा है कि वो आकांक्षा दुबे जो है वो एक पार्टी में गई थी जिस रात उन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद वो घर आई, उनको छोड़ने एक शख्स आया जिसे वो पहले से जानती थी, होटल शख्स आया, 17 मिनट तक वो उनके होटल में रहा, उसके बाद जो है वो वहाँ से चला गया। इसके बाद क्या होता है यही सस्पेंस की बात है, यही पुलिस को खोजना है कि ऐसा क्या वजह रही कि आकांक्षा दुबे को सुसाइड करना पड़ा। अब समर सिंह कहाँ है ये बड़ी बात है, क्योंकि समर सिंह को बताए बगैर बात पूरी नहीं होगी शायद। और समर सिंह जो जाना माना चेहरा है इंडस्ट्री का वो गायब है, लेकिन वो ये पोस्ट कर रहे हैं, ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं उन्होंने लिखा है आरपीआई आकांक्षा, आरपीआई लिखते हैं वो, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से पहुंच से बाहर है, उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर ये निशब्द हूँ, लिख रहे हैं निशब्द हूँ आरपीआई, तो अब आप सोचिए कि जो शख्स मतलब आप समझ सकते हैं, जो शख्स इतना खास हो, फरवरी तक बॉयफ्रेंड हो और साथ में रहते हो और उसके बाद अचानक से जो अगर कोई लड़की ख़त्म हो जाती है, किसी की गर्लफ्रेंड खत्म, एक्स चाहे एक्स ही क्यों ना हो, तो उसके बारे में आप अचानक से गायब कैसे हो जाते हैं, फ़ोन कैसे स्विच ऑफ हो जाते हैं और आप ट्विटर पर माफ़ कीजिए इंस्टाग्राम पे ऐसा लिख रहे हैं। हालांकि इसके लिए उनको बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं, लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं समर सिंह इसमें आपका हाथ है। ये देखिए इसमें एक कमेंट आया है, समर सिंह इस सुसाइड में आपका हाथ है, आपका हाथ है, लोग लिख रहे हैं, सीधे सीधे लिख रहे हैं, इसमें आप ही का ही हाथ है, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम लगातार ये चीज़ें लिख रहे हैं समर सिंह के खिलाफ़,
जब से उन्होंने आरपीआई निशब्द हूँ लिखा हुआ, इसके बाद देखिए लगातार कमेंट की बाढ़ आ गई है और वो लगातार ये गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि इसमें समर सिंह का ही हाथ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कातिल कोई और भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जो दुश्मनी जो गाना वीडियोस इनको लेकर जो चल रही है वो आप जानते हैं, चाहे अक्षरा सिंह की बात ले लें, पवन सिंह का जो विवाद हुआ, और भी सारे कई सारे एक्टर्स एक्ट्रेस में अंदर अंदर पता नहीं क्या चलता रहता है जो सोशल मीडिया पर अक्सर आता रहता है। अब FIR दर्ज हो गई है वाराणसी के सारनाथ थाने में और समर सिंह उनके भाई संजय सिंह पर केस भी दर्ज हो गया है। वो पुलिस उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, पुलिस हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है और अब सभी को क्योंकि इंतज़ार है कि आकांक्षा सिंह कमरे में क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। नमस्कार।